तो दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों बच्चों के लिए आई बड़ी खबर। दिल्ली सरकार ने स्कूलों को तुरंत प्रभाव से स्कूलों में चलने वाली हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है, सर्कुलर निकाल दिया 9 अप्रैल को। तो देख सकते हैं आपके डिसकंटिन्यूएशन ऑफ ऑल एकेडमिक जो भी एकेडमिक काम चल रहे स्कूलों में, साथ में एग्जामिनेशन एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लासेज 9 to 12 थ्रू फिजिकल मोड में जो भी एक्टिविटीज चल रही थी, यहाँ पर जो पेपर चल रहे थे, मिड टर्म एग्जाम चल रहे थे 9th और 11th के, साथ ही यहाँ पर जो बोर्ड के जो प्री बोर्ड चल रहे थे, उनको सभी को दिल्ली सरकार ने तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया है। तो ये जो कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसी के चलते, और ये सिर्फ दिल्ली के सरकारी स्कूल ही नहीं बल्कि हेड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल जितने भी सरकारी हैं, साथ में गवर्नमेंट एडेड हैं, अनएडेड स्कूल हैं और रिकॉग्नाइज स्कूल हैं, वो सभी पर ये लागू होगा। तो कुल मिला के दिल्ली के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोई भी एक्टिविटी, चाहे वो एग्जामिनेशन हो, एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, एक्टिविटी हो, फिजिकल मोड में यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, सस्पेंडेड कर दिया है यहाँ पर। और इमिडिएटली साथ में तुरंत प्रभाव से, यानी कि जो जितने पेपर बच्चों के हो चुके हैं वो हो गए हैं, उसके बाद बच्चों के और बाकी दूसरे एग्जाम नहीं होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल हो, चाहे प्रोजेक्ट हो, चाहे एग्जामिनेशन हो, प्रैक्टिस हो, एग्जाम हो, या यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम हो या प्री बोर्ड हो, सारे एग्जाम फिलहाल बंद कर दिए हैं। और ये अगले आदेश तक, जब तक कि अगला आदेश नहीं आ जाता, तो सभी स्कूलों की जो भी एक्टिविटी चल रही है वो बंद कर दी गई है। तो ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दो इस वीडियो को, और साथ में कैसा लगा आपको ये खबर, दिल्ली के पढ़ने वाले, दिल्ली में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी बच्चों तक, सभी पेरेंट्स तक ये खबर पहुँचे। धन्यवाद।